तो ये एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10 क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक काइट उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, उसको ग्राउंड पर बांध दिया जाता है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, उसका जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री बनता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाएगा देखते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है फिगर बनाना करेक्ट लेवलिंग के साथ। तो हमने सपोज कर लिया यहाँ पर कोई काइट है और ये काइट इसका जो हाइट दिया हुआ था वो हमें दिया हुआ था 60 मीटर अबव द ग्राउंड। हम लिखेंगे यहाँ पर 60 मीटर और ये टाइट कर दी जाती है, मतलब बांध दी जाती है किसी एक पॉइंट पर, और वो पॉइंट हमने ये सपोज कर लिया है। यहाँ पर इस तरह से ये स्ट्रिंग है, इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है और ये एंगल हमने सपोज कर लिया है यहाँ पर 60 डिग्री, सॉरी सपोज नहीं किया है, एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, इंक्लाइनेशन ये 60 डिग्री एंगल है। तो हमें ये फाइंड करना है स्ट्रिंग का लेंथ। तो देखते हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स, हमें गिवन है 60 मीटर हाइट। तो ट्रायंगल सपोज कर लेते हैं सबसे पहले ए बी और ये सी जहाँ पर काइट है। तो देखते हैं टेबल क्या है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, देन परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इससे हमें पता लगेगा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये है एंगल, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर और 90 डिग्री एंगल के सामने होता है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है पी बाई एच। ये फॉर्मूला है साइन का, उसके बाद आता है कॉस, उसके बाद आता है टेन। तो फिलहाल हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें किसकी ज़रूरत है साइन की। तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी साइन 60 डिग्री एंगल था तो साइन 60 लिया, साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर 60 मीटर है, उसको हम लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाय, हाइपोटेनस है इसका एक्स, तो हम लिखेंगे इसको एक्स 60 बाय x। साइन 60 की वैल्यू है √3/2 इक्वल टू 60/x। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये x इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा x√3 इक्वल टू 60 × 2 इक्वल टू 120। देन हमें सिर्फ वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखना है और बाकी नंबर्स को उस साइड में पहुंचा देना है। 120 डिवाइडेड बाय √3, जैसा कि नीचे आपको पता है कि ये आ गया है रूट, रूट आते ही हम क्या करते हैं इसका रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करेंगे इसको तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमें मिलेगा 120 मल्टीप्लाइड बाय √3 डिवाइडेड बाय √3 × √3 ये हो जाएगा 3 से कैंसिल करेंगे इसको तो 40 इक्वल टू 40√3 और ये था गिवन हमें मीटर में, तो हम मीटर लिख देंगे। तो इस तरह से हमने फाइंड कर ली इसकी लेंथ, तो स्ट्रिंग उससे काइट से अटैच थी उसकी हमने लेंथ फाइंड कर ली है और वो कितनी आई है 40√3।